अब ये जो है रडार ग्राफ दिया गया, इसमें क्या दिया गया देखिए कि प्रोडक्शन ऑफ टी बाई कंपनी ए बी सी डी इन टन, ठीक है। ये देखिए ये जो है कंपनी ए है और ये टी का प्रोडक्शन ग्रेड वन, ठीक है। दो टाइप के टी हैं, ग्रेड वन और ग्रेड टू। तो कंपनी ए जो है ग्रेड वन का प्रोडक्शन कितना कर रही है, ये देखिए 20 यूनिट, और ये ग्रेड टू का प्रोडक्शन कितना कर रही है, 40 यूनिट। इसी तरीके से हम अगर बी में जानना चाहें तो ग्रेड ए का प्रोडक्शन देखिए कितना है, ठीक है, ये 20 होगा, ये 40 होगा, ये 60 होगा, ठीक है। तो ग्रेड वन का कितना है 20, ग्रेड ये टू का कितना है 60 यूनिट, ठीक है। और इसका जो रेट है, ग्रेड वन का 75,000 पर टन है और ग्रेड टू का 60,000 पर टन है। अब क्वेश्चन देखते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज सेल्स ऑफ ग्रेड वन एंड ग्रेड टू इन ऑल कंपनी, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं ग्रेड वन, ठीक है, और यहाँ पे लिख लेते हैं ग्रेड टू, यहाँ पे कंपनी लिख लेते हैं। तो कंपनी ए में ग्रेड वन कितना प्रोडक्शन हो रहा है, 20 यूनिट, 20 टन, और ग्रेड बी 40 टन। फिर इसी तरीके से कंपनी बी में कितना है, ये देखिए 20 है, ये 40 होगा, और ग्रेड बी 60 हो जाएगा, ठीक है, ग्रेड टू। कंपनी सी में देखिए ये 20 होगा, ठीक है, कंपनी सी, अब कंपनी सी में देखिए, तो कंपनी सी में ग्रेड वन देखिए कितना है, ये 20 है, ये 40 है, और ये 60 होगा। लेकिन ये देखिए ये बीच में है, ठीक है। तो अगर एग्जैक्ट लाइन पे है तो ठीक है, वो नंबर होगा 20 40, ये जो है मेंशन है, बीच में है तो आप 10 जो है उसको कम कर लीजिए। तो ये देखिए 20 40 60, तो ये इसको क्या कहेंगे आप, 50, ठीक है। और ग्रेड वन कितना है, ठीक है, सॉरी ग्रेड टू कितना है, ये 20 यूनिट है, 20 टन है। ग्रेड डी का देखते हैं, ये देखिए 20 40 60, तो ये 60 हो जाएगा। और इसमें देखिए ये आखिरी वाला कितना है, यहाँ पे 120 है, तो ये देखिए ये बीच में है, इसको 110 कह देंगे। अब एवरेज पूछा गया है ना, तो इसको जरा प्लस कर दीजिए, ये कितना हो जाएगा, ठीक है, 42.5 टन। इसको टोटल करिए, 230/4, ठीक है, तो ये आ जाएगा 57.5 टन। इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 10 टन, सिंपल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टोटल इनकम ऑफ कंपनी सी एंड कंपनी ए, ठीक है। सी और ए का देखते हैं टोटल इनकम कितना है। ए का जरा इनकम देखिए आप ये बताइए कि कंपनी ए, ठीक है, ग्रेड वन का प्रोडक्शन कितना कर रही है, 20 टन कर रही है, ठीक है, और रेट कितना मिलना है, 75,000, ठीक है। अब देखिए ग्रेड बी का प्रोडक्शन कितना है, 40 टन है, और रेट कितना है, 60,000, ठीक है। कंपनी सी का इनकम चेक करते हैं, कंपनी सी में देखिए ये जो ग्रेड वन है ये कितना है, 50 टन है, तो 50 × 75,000, और ये ग्रेड टू जो है ये तो 20 टन ही है, तो 20 × 60,000। अब देखिए ये पूरा डिटेल मल्टीप्लाई मत करिए, इसको शॉर्ट में करिए, ये बताइए 75,000 × 2 कितना होगा, 1,50,000। लेकिन एक जीरो और पढ़ा हुआ है, तो आप इसको डायरेक्ट क्या करेंगे, 15 लाख हो जाएगा। इसी तरीके से 6 × 4, ठीक है, 2.4 लाख होगा, लेकिन एक जीरो कंसिडर कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 24 लाख, ठीक है, तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 39 लाख, ठीक है। इसी तरीके से ये देखिए ये कितना होगा, 75 × 5 कर लीजिए, 3,75,000 होगा, और एक जीरो और कंसिडर कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 37.5 लाख हो जाएगा, और ये 6 × 2 120, और ये कितना हो जाएगा, 12 लाख हो जाएगा, ठीक है। इसको प्लस करिए कितना हो जाएगा, 49.5 लाख, ठीक है। अब इसको माइनस कर लीजिए कितना आएगा, 10.5 लाख आएगा, इसको क्या कहते हैं, 1.05 मिलियन, सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि इन हाउ मेनी कंपनी इज द प्रोडक्शन ऑफ ग्रेड टू टी एटलीस्ट 50% मोर देन डेट ऑफ ग्रेड वन, ठीक है। इसमें एक चीज ध्यान दीजिएगा कि जो 50% कहा जा रहा है ना, इंक्रीमेंट नहीं कहा जा रहा है कि पिछली बार से ग्रेड वन और ग्रेड टू में कितना ज्यादा और ज्यादा बढ़ा, ठीक है, बस कंपेयर करके कहा जा रहा है कि ये 50% है, ठीक है। तो ऑलमोस्ट जो है
यहाँ पे देख लेते हैं जो हम लोगों ने डिटेल लिखा हुआ है, ये देखिए ये 20 से 40 है, ये तो 50 से ज्यादा ही होगा, कैसे इंक्रीमेंट नहीं देखना, ठीक है ये 40 है और 40 अपॉन इससे कंपेयर करना है तो ये 20 × 100, ठीक है तो ये सब अधिक ही आएगा। देखिए जहां जहाँ अधिक है वहां इसको कंसिडर किया जाएगा, तो यहाँ पे होगा 40 60, यहाँ पे होगा, यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे होगा, तो ए बी एंड डी ठीक है, तीन में है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि व्हाट परसेंट ऑफ द नेट इनकम ऑफ कंपनी ए इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय ग्रेड 1 टी, ठीक है तो ए का इनकम कितना है, अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया था, ए का इनकम देखिए टोटल कितना है, 39 लाख है, ठीक है और इसमें ग्रेड 1 का कितना कंट्रीब्यूशन है, 15 लाख, ठीक है 15 × 100 कर दीजिए, ठीक है ये कितना हो जाएगा, ठीक है 500 / 13 कर लीजिए, ठीक है ठीक है 38 पॉइंट समथिंग, अगर कोई ऑप्शन है तो उसको टिक कर दिया जाए, ठीक है सिंपल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि टोटल प्रोडक्शन बाय कंपनी डी इज व्हाट परसेंट ऑफ दैट ऑफ कंपनी बी, ठीक है डी और बी में आपको कंपेयर करना है, तो हम लोग अभी यहाँ पे किए हुए हैं इसको देखते हैं, ठीक है देखिए डी में टोटल प्रोडक्शन कितना है 170 और बी में कितना है 100, इसी के साथ कंपेयर करना है, तो आप ये बताइए इधर 100 है इधर 170 है, तो डायरेक्ट कितना हो जाएगा 170%, कोई भी चीज अगर आप 100 से कंपेयर कर रहे हैं ठीक है तो डायरेक्ट निकल जाएगा, ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है 170 upon 100 × 100, ठीक है तो 170% सिंपल है। ठीक है 170%, ठीक है।